जय श्री राम। आज मैं आपने बताऊंगी मिनी अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाना। ये कपड़ा है, इसका मैं बनाऊंगी मिनी अम्ब्रेला कट प्लाजो, जिसकी लंबाई है 38, कमर है 34 इंच और हिप है 40 इंच। ये जो फुल अम्ब्रेला कट का जो घेर हुआ है उससे कम होगा, और जो सिंपल प्लाजो होया करे उससे इसका घेर ज़्यादा होगा। तो यो कपड़ा मैंने खोल लिया है, इसकी लंबाई है 2.25 मीटर कपड़े की, और अरज है इसका, आपने मैं दिखाऊं, जो हमारी आम सलवार का जो कपड़ा हुआ है उससे इसका अरज थोड़ा सा कम है। लंबाई है इसकी 2.25 मीटर कपड़े की, और इसका अरज है 19 इंच। जो सलवार का जो कपड़ा हुआ उसका अरज होया करे 21 इंच, तो ये उससे थोड़ा सा कम है। तो इसलिए मैं इसकी मिनी अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाऊंगी। फुल घेर का तो इसमें बनेगा नहीं, तो थोड़ा सा कम घेर का जो आम प्लाजो होया करे उससे फालतू होगा, और जो अम्ब्रेला होया करे वो उससे कम होगा। इस कपड़े की मैंने पूरी तय खोल ली है, मैं इसमें कटिंग करूंगी पहले एक पैर की, दोनों पैर एक साथ नहीं कटिंग करने। इसके लिए क्या करना है, तिरछा मोड़ दो। इसमें कपड़े में ये मैंने एक कोना मोड़ दिया कपड़े का इस तरह तिरछा, और इस कपड़े में एक पैर की कटिंग करनी है। तो जो लंबाई है आप वो लंबाई ले लो, मैंने ये तैयार करना 38 इंच का। 1 इंच की मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी, तो लेना है मैंने 37 इंच, और 1 इंच मैंने नीचे मोड़ना है, तो वो उल्टा 38 हो गया। तो 38 इंच तो मैंने लंबाई चाहिए, और जितने हिप हैं 40, उसका चौथा हिस्सा प्लस 2, 12 इंच ऊपर तय हमने इसकी चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई चाहिए 38 इंच, और ऊपर तय कमर की चौड़ाई चाहिए 12 इंच, जितने हिप उसका चौथा हिस्सा, और उसमें 2 जोड़ना है। तो ये कमर की चौड़ाई का नाप होया करें, तो ऊपर तक 12 इंच करना है और लंबाई 38 इंच करनी है। ये 12 इंच इस जगह पर आकर हो गया, तो ईव इसने निशान लगा के इसकी कटिंग कर दो। निकलो इसकी लंबाई 38 ली है हमने, और ये कोना इवन ही काटना, इसकी गोलाई करेंगे दोनों पैर की उस टाइम काटना है ये साथ के साथ। ये दूसरे पैर की कटिंग करनी है, तो दूसरा हिस्सा भी इसी तरह मोड़ना है, और यो भी नीचे ऊपर तय 12 इंच करना है, और नीचे तय फुल घेर जितना हो सके उतना करना है, और फिर ये दूसरा पैर इसके ऊपर रख कर दोनों बराबर काटने हैं सेम। इसने लंबाई नाप के इसकी, और ये देखो ये पूरा है कि नहीं है, ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसने और बढ़ाओ ऊपर तक चौड़ाई, और नीचे तक इसमें बराबर करो, और इसकी ये होगी 12 इंच। 12 इंच 38 की लंबाई के ऊपर 12 इंच होगी, तो दूसरा पैर रख के इसके ऊपर और दोनों की बराबर अब कटिंग कर दो। इसके ऊपर दूसरा पैर सेट करना है, सारा लंबाई चौड़ाई सब दोनों की बराबर होनी चाहिए, और इसमें 38 की जो लंबाई है इस पर तो इसमें काट दो। और इस जगह पर तय हमें आसन काटना है, तो आसन का भी वो ही तरीका है, हिप का चौथा हिस्सा उसमें 2 जोड़ने हैं, और 12 हो गए, चौथा हिस्सा 10 में 2 जोड़ दिए 12, और 1 इंच की हम ऊपर बेल्ट लगावेंगे तो वो भी आसन की लंबाई में जुड़ेगी, तो 11 इंच ले लिया। और यो जितना हमने कमर ली थी टोटल 12 इंच, तो उससे 1 इंच फालतू ले लो 13, ये 13 इंच ले लिया, और यो इस पर गोलाई करके कटिंग कर दो। नीचे तो हमने कमर थी 12 इंच ली थी हिप, तो ये जो आसन की साइड तक चौड़ाई ली है वो 13 इंच ली है, 1 इंच फालतू, और ये इसकी हमने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद ये इसमें
ये जो तिरछा है एक साइड तय इस पर गोलाई करके तिरछे पे तय और सीध शेप में नहीं काटना, गोलाई की शेप में काटना है, कपड़ा भी बराबर हो जाएगा और इसकी शेप भी गोलाई आ जाएगी। और ये जो 38 की लंबाई थी उस पर जाकर मिला देनी है इस तरीके से। तो ये नीचे तो देखो कपड़ा भी उसी जगह पे है और गोलाई भी होगी और दोनों पैर बराबर भी होंगे। ये जो आम गिर होया करे उस तो ज़्यादा हो गया और जो फुल अम्ब्रेला कट प्लाजो होया करे उस तो ये थोड़ा सा कम है। और ईव हमने इसकी काटनी है बेल्ट, तो बेल्ट में 4 तह में हमने कमर 12 इंच ली थी तो इसने भी 4 तह में 12.5 इंच ले लो और लंबाई ले लो इसकी 3 इंच चौड़ाई। ये बेल्ट की कटिंग कर दी मैंने, मैं इसकी सिलाई करनी बताऊंगी आपने। तो ये है बेल्ट का कपड़ा जो एक साइड में रख दूँ, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके जो दो पैर हमने दोनों अलग अलग काटे थे, सबसे पहले आप उसने खोल लो और एक दूसरे के ऊपर रख लो दोनों ने खोल के। ये खोल दिया एक पैर और ये दूसरा पैर और इवन के आसन मिला के और आसन पे सिलाई लगा दो, दोनों आसन जोड़ लो पहले सिलाई लगा के। ये दूसरा आसन भी जोड़ लो इस में। हमने बेल्ट जोड़नी है तो बेल्ट की करना हमने उल्टी साइड रखनी है और सीधी साइड पलटनी है। तो बेल्ट जो जोड़ांगे हम उल्टी साइड पर शुरू करांगे, उन्हें उल्टी साइड रख कर फिर जोड़ांगे। तो ये बेल्ट काट रखी है, ये दो इशा में है, पहले तो इन्हें आपस में जोड़ लो ताकि आप पूरी एक हो जा। और इस बेल्ट का जो जोड़ है यो भी ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं आना, यो जोड़ ऊपर ही रखना है, इसका उल्टा हिस्सा ऊपर ही रखना है। तो इसने इसके साथ में रख के प्लाजो के और बेल्ट ने जोड़ दो। बेल्ट के बिल्कुल शुरू में सिलाई नहीं लगानी, 1 इंच छोड़ना है। तो इस प्लाजो के चारों तरफ इस बेल्ट में जोड़ दो। ये बेल्ट जुड़ गई, ये आ गया यो वो हिस्सा जित हमने शुरू करी थी। तो इस बेल्ट का इस हिस्सा पे आप चाक से निशान लगा लो, बड़े राड इस पर निशान लगा के दूसरा हिस्सा इसके ऊपर पलट के और वो निशान दूसरे हिस्से पर छाप लो। तो उस निशान ने दूसरे हिस्से पर यू निशान आ गया, इसने आप पक्का कर लो अच्छी तरह दिख जा जुकर दिख गया। ई बिश निशान था आधा इंच फालतू कपड़ा काट दो, बिल्कुल निशान के ऊपर तो नहीं काटना, आधा इंच फालतू कपड़ा काटना है। और इसमें बेल्ट के दोनों हिस्से पकड़ के उन्हें जोड़ के जो आधा इंच कपड़ा हमने फालतू काटा था उसने आप सिलाई लगा के जोड़ दो। जो इस तरीके से ये जो बेल्ट की
थोड़ी सी सिलाई बच रही है, ये वापस ना पूरी कर दो। ये भी इसमें लगानी है इलास्टिक, तो इलास्टिक है ये वाली मेरे पास, तो इसमें की है 34 कमर है, 34 में 4 इंच कम कर दो 30, तो हम 30 इंच की इलास्टिक लगावांगे इसमें। 15, अरे 15 का डबल कर दिया, ये होगी 30 इंच की इलास्टिक, और इस 30 इंच पे काट दो इस इलास्टिक ने। काट दी और इस इलास्टिक के दोनों सिरे जोड़ दो। पक्की सिलाई करनी है, 4-5 बार सिलाई लगा दो इस पर, कि जब यो खिंचाओ मावे तो सिलाई टूटनी नहीं चाहिए, मजबूत काम कर दो। तो ई बीच की शेप ने देखो, ये कैसी शेप में है इलास्टिक, ये है। तो आपने क्या करना है इसमें, ये देखो इस इलास्टिक की ये शेप है, ये इसमें तो ये ऊपर की तरफ तो झुक रही है, नीचे की तरफ फैल रही है ये, तो जो ये फैल रही है ऊपर का हिस्सा है ये तो आओगा ऊपर की तरफ, और जो फैल रहा है उस पर पहले तो निशान लगाओ आप, ये जो फैला फैला दिखा है इस पर, जो झुक रहा है उस पर निशान नहीं लगाना, जो फैल रहा है उस पर निशान लगा दो। तो ये फैल है वाला हिस्सा प्लाजो की तरफ आना है, और जो झुका वाला हिस्सा है ये बिल्कुल ऊपर एंड में आवेगा, प्लाजो ने सीधा लो, एक बार उल्टा प्लाजो नहीं लेना, सीधा लेना है, और सीधा प्लाजो ले गए इस पर इलास्टिक रखनी है। ये इलास्टिक लगाओ, ये जो फैला हुआ हिस्सा है ये प्लाजो की तरफ करो, और इस पर हमने कपड़ा पलट देंगे, और जो ये झुका हुआ हिस्सा है ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस पर आप इस तरीके से लगाना है, इस इलास्टिक का एक हिस्सा हटाओ और इस पर ध्यान से देखो इसे सेट करो। ये जो फैल रहा है यो हिस्सा इसकी प्लाजो की तरफ किनारी पर रखो, और दूसरी तरफ तमने कपड़ा पलटना है, ये एक हिस्सा इसका हटा दो और इसका जो लास्टिक है वो बेल्ट और प्लाजो की जो सिलाई थी जिस हमने बेल्ट जोड़ी थी उस पर नहीं आना चाहिए, इस तरह एक पैर दूर रखना है, सिलाई पर प्लाजो नहीं रखना, एक पैर दूर रखना है, और ये कपड़ा ऊपर इसके फोल्ड करके सिलाई पर रखना है, कपड़ा सिलाई पर रखना है, लास्टिक सिलाई तय एक पैर हटा कर रखना है। ये लास्टिक है इसमें आप इस तरह सिलाई पर रख दो, और लास्टिक इस तरह एक पैर भीतर है, और ये इस पर सिलाई लगा दो आराम आराम से, सारा लास्टिक यो न्यू सेट करना है। लास्टिक पे सिलाई नहीं आने देनी, और कपड़े पे सिलाई लगानी है, और नीचे वाली सिलाई ढक देनी है। इस तरह सफाई दिखेगी इसमें, और इसमें लगा दो। जब लास्टिक छोटा रह जा
तो पीछे तक खींच के आगे ले आओ। अगर इस पर सिलाई नहीं आई होगी तो यो आसानी तक खिंच जाएगा। अगर सिलाई का एक भी टाका लास्टिक पाया होगा तो खिंचेगा नहीं, फिर हमने उधेड़ कर दोबारा सेट करनी पड़ेगी। लास्टिक ने पीछे तक खींचे जाओ और आगे बढ़ाए जाओ थोड़ा थोड़ा, सारा एकदम भी नहीं करना ना एकदम सारा खिंचाओ में आवेगा। तो थोड़ा थोड़ा खींच के आगे बढ़ते रहो और सिलाई लगाते चलो। ये हो गया इसमें लास्टिक सेट। तो ये कितने कम है कितने ज़्यादा है, तो ईव इसने प्लाजो ने आप दो तीन बार खींच दो, ये लास्टिक बराबर सेट हो जाएगा सारा। इस तरीके से खींचण पे ये सारा बराबर सेट हो जाएगा। इस तरीके से ईव हमने क्या करना है, बराबर सेट करने के बाद बीच में सिलाई लगानी है। ये जो सेट हो रहा है ये न्यू का न्यू रव है, कितने तभी सरकेगा नहीं, तो बराबर रहेगा ये जो सरकेगा नहीं। ये हो गया इसमें लास्टिक सेट। ये देखो ये इसका सीधा हिस्सा सुलटा लास्टिक, और ये हो गया इसका आगे की तरफ उल्टा। और ये देखो सेट हो गया। ईव हमने लास्ट की हुए जो सिलाई हुआ है एक पैर तक दूसरे पैर पर जो जाया करे वो सिलाई लगानी है। और मोरी का तो नाप है नहीं, जितनी ज़्यादा चौड़ी हो जाए उतनी बढ़िया, तो हमने फालतू कपड़ा दबाना नहीं, आधा इंच कपड़ा छोड़ना है, बाकी सारा मोरी के लिए रखना है। सारा था आधा इंच कपड़ा बढ़िया डाल एक सा करके दबाओ, आसन पते है पक्का कर दो। ये होंगे दोनों पैर की सिलाई। ईव हमने इसकी मोरी मोड़नी है, तो मोरी की करना हमने जितनी लंबाई तैयार चाहिए उस पर निशान लगा कर बाकी फोल्ड कर दो। तो ये इतना फालतू कपड़ा बचा है लंबाई के बाद आधा इंच कपड़ा, तो यार हमने शुरू करनी है मोरी मोड़नी। तो आधा इंच पर निशान लगा के और बाकी ने फोल्ड कर दो। ये जो मिनी अम्ब्रेला कट प्लाजो या फिर अम्ब्रेला कट जो प्लाजो है वो नीचे तय बारी के मोड़ा जा है, उसकी जो मोरी है वो चौड़ी नहीं मोड़ी जाएगी। पैंट प्लाजो की तरह सिंपल प्लाजो की तरह दो दो इंच नहीं मोड़ी जाएगी वो, क्योंकि वे नीचे तो है सीधे, ये नीचे तो है गोड़ाई में, तो गोड़ाई में ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ा जाएगा बारीक ही मोड़ा जाएगा। तो ये इतना ही मोड़ना आधा इंच कपड़ा जो बचा था, इसने इतनी बारीक सिलाई इससे फोल्ड करके मोड़ दो। और इस पे आप लेस भी लगा सको, अगर आपने हैवी सूट बनाना है और सिंपल बनाना है इतना ही रखना है तो सिंपल भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये सारी मोरी इसी तरह आधा इंच थोड़ी थोड़ी किनारी मोड़नी है। दूसरे पैर की भी इसी तरीके से मोड़नी है, दूसरे पैर की भी लंबाई नापो जितना फालतू कपड़ा है उसने मोड़ दो बचे उड़े ने, उसका भी इतना ही पाओगा आधा इंच। तो ये आधा इंच दूसरे की भी शुरू कर दी मैंने मोड़नी थोड़ी थोड़ी, ये होगी। और ये हो गया प्लाजो की नीचे तय मोरी भी तैयार और ऊपर तक भी सारा प्लाजो रेडी हो गया। जय श्री राम।